YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या व्यू हो सकता है अगले दिन के लिए और कौन सा स्टॉक है जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को मूव करा सकता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो आज गैप डाउन ओपन हुआ और थोड़ा सा यहाँ पर पाउज लिया, मतलब ये जो कैंडल है थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल है। निफ्टी यहाँ पर ऊपर तो जा रहा था लेकिन लास्ट टाइम में फिर से यहाँ सेलिंग आया, एक नॉर्मल ये ग्रीन कैंडल बनाया है, मतलब यहाँ पर निफ्टी जो होल्ड किया है तो अब मोमेंटम किधर होगा। अगर इसके लो को ब्रेक करता है निफ्टी तो फिर डाउनवर्ड मोमेंटम होगा। अगर थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम करे कुछ दिन, फिर यहाँ पर ऊपर के लेवल को ब्रेक करे, मतलब ऊपर का जो रेसिस्टेंस है उसको ब्रेक करे तो फिर निफ्टी जो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर मोमेंटम किस प्रकार होगा ये देखना होगा। यहाँ से साइडवेज मूव करता है, मूव करने के बाद अगर ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तो ये फिर ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम होने के बाद फिर नीचे के सपोर्ट रीजन को ब्रेक करता है तो ये फिर नीचे चला जाएगा। अभी जो निफ्टी है वो काफी क्रूशियल लेवल पे है, किधर मोमेंटम होता है ये हमें अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर प्राइस एक्शन किस अनुसार से बनाता है, अगर यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया तो ऊपर जाएगा, अगर ये अपने सपोर्ट रीजन को ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी नीचे चला जाएगा। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करें, ये भी एक पाउच कैंडल बनाया है, बैंक निफ्टी ओपन हुआ फिर ऊपर गया और लास्ट टाइम में सेलिंग हुआ और एक थोड़ा सा ये सिंपल ग्रीन कैंडल बनाया है जो कि पाउच को दिखाता है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पर जो है मोमेंटम जो अगले नेक्स्ट कुछ दिनों में किस प्रकार होता है वो काफी मायने करेगा। अगर यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम होता है, साइडवेज मोमेंटम होने के बाद ऊपर के लेवल को, मतलब रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम होने के बाद अगर नीचे के सपोर्ट रीजन को ब्रेक करता है तो फिर बैंक निफ्टी नीचे चला जाएगा। फिर जो बैंक निफ्टी का ये स्विंग लो है यहाँ तक आ सकता है जो कि 32,150 का। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को कौन से स्टॉक्स मूव करा सकते हैं। पहला स्टॉक यहाँ रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के कारण ही आज निफ्टी में हमें होल्ड देखने मिला, अदरवाइज निफ्टी आज ऊपर मूव कर जाता क्योंकि रिलायंस आज निगेटिव था, इसलिए हमें बैंक निफ्टी में कुछ खास बड़ा मोमेंटम देखने नहीं मिला। अगर रिलायंस अगले दिन इसके नीचे ट्रेड करता है तो निश्चित रूप से रिलायंस काफी वीक हो जाएगा क्योंकि ये जो स्विंग लो है इसके आसपास है, तो ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि इस स्विंग लो के नीचे ट्रेड करता है अगले दिन, ट्रेड किया तो फिर ये काफी वीक हो जाएगा रिलायंस चार्ट पे, तो फिर ये निफ्टी को भी नीचे लेके आ सकता है। फिर बात करते हैं इंफोसिस, देखिए यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया, एक रेंज में फंसा हुआ है, जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं कर देता है किसी भी साइड तब तक हम इंफोसिस में किसी प्रकार का मोमेंटम नहीं देखने मिलेगा। तो देखते हैं कि इंफोसिस किस तरह रेंज को ब्रेक करता है, ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा फिर इस गैप को फिल कर सकता है, अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये बड़ी गिरावट दिखा सकता है। अगला है टीसीएस, देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया है, गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा और नीचे गया फिर ये ऊपर चला गया, तो टीसीएस यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दिखाया है लेकिन अभी भी ये ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि चार्ट में ये काफी वीक है, देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं करता है टीसीएस तब तक इसके ऊपर जाने की संभावना काफी कम है। मतलब एक रेंज बनाए, मतलब थोड़ा सा ये साइडवेज मोमेंटम कराए फिर उस रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक करे तो फिर ये काफी विश्वसनीय होगा प्राइस एक्शन के अनुसार कि ये स्टॉक ऊपर की ओर मोमेंटम कर सकता है। अगर ये डायरेक्ट ऊपर जाता है तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर गया दो दिन फिर ये ब्रेक करके, मतलब फिर मोमेंटम करके नीचे आ गया, तो ये ऊपर की ओर मोमेंटम तब स्ट्रांग होगा जब ये कुछ दिन साइडवेज मूव करे फिर ब्रेक करके ऊपर जाए। अगर एचडीएफसी की बात करें तो देखिए यहाँ पर एचडीएफसी जो है थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया है, अगर यहाँ पर एचडीएफसी ट्रेड करता है और इस लेवल को ब्रेक करता है जो ऊपर का लेवल है 2270 का तो फिर ये काफी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक करता है जो कि है 2100 का लेवल तो फिर ये काफी वीक हो जाएगा चार्ट पर, तो देखते हैं एचडीएफसी किस तरह से यह मोमेंटम करता है। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक जब मूव करेगा तो ये निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के मूवमेंट में सहायक होगा। एचडीएफसी बैंक भी अपने सपोर्ट रीजन के आसपास है जो कि 1290 का, अगर 1290 के नीचे ये सस्टेन हो जाता, जैसे देखिए आज काफी नीचे गया लेकिन ये 1290 के नीचे सस्टेन नहीं किया, उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है डेली बेसिस पर, तो एचडीएफसी बैंक यहाँ से बड़ी गिरावट दिखा सकता है। तो ये भी एचडीएफसी बैंक फिलहाल ऊपर जाने वाला नहीं दिख रहा है, तो अभी कोई बड़ा मूवमेंट निफ्टी बैंक में नहीं आ सकता है। ये आईसीआईसीआई बैंक मैंने पहले ही चर्चा किया था, आईसीआईसीआई बैंक जब तक इस लेवल को नहीं ब्रेक कर देता है जो कि 694 रुपये का या कहें 690 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है आईसीआईसीआई बैंक चार्ट पे वीक नहीं होगा, तो आईसीआईसीआई बैंक अभी भी स्ट्रांग है, ये यहाँ से ऊपर मोमेंटम दिखा सकता है, तो ये निफ्टी बैंक को थोड़ा ऊपर लेके जा सकता है।
फिर एक्सिस बैंक ये तो काफी वीक है चार्ट पर, ये भी देखिए अपने सपोर्ट रीजन के आसपास है। आईसीआईसी बैंक 690 को ब्रेक करता और एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक अपने सपोर्ट रीजन को ब्रेक करता है, मतलब यहाँ पर ये अगर 650 के नीचे सस्टेन कर जाता है एक्सिस बैंक तो काफी वीक हो जाएगा, फिर ये काफी ज्यादा निफ्टी को नीचे और निफ्टी बैंक को ड्रेक करेगा, क्योंकि ये सारे स्टॉक निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में है बैंकिंग सेक्टर के। कोटक बैंक देखिए, कोटक बैंक तो इसी रेंज में फंसा हुआ है, ये नीचे का ये सपोर्ट रीजन है और फिर ये ऊपर का ये ट्रेंड लाइन है, रेसिस्टेंस है, तो इसी बीच में फंसा हुआ है। तो जब तक ये ऊपर ब्रेक नहीं करता है तब तो ऊपर मोमेंटम नहीं होगा, नीचे ब्रेक नहीं करता है नीचे मोमेंटम नहीं होगा। अगला है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ लेवल पे है, अगर ये यहाँ पर 470 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर यहाँ तक का मोमेंटम जो है 460 रुपये तक का मोमेंटम दिखा सकता है, 10 रुपये का मोमेंटम इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम होगा जो बैंक निफ्टी को काफी नीचे लेकर आएगा। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा एसबीआई जो है पाउच किया है, ये मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग था पिछले दिन, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया था लेकिन आज थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग किया है, तो देखते हैं ये 470 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर वीक हो जाएगा चार्ट पे। अब इंडसइंड बैंक देखिए, इंडसइंड बैंक तो काफी मतलब नीचे मूव कर रहा है और इसका जो मोमेंटम है काफी नीचे है और मोमेंटम का स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रांग है, तो इंडसइंड बैंक तो काफी वीक है चार्ट पर। फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी देखिए चार्ट पे काफी वीक है। अब देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी चार्ट पर वीक हो जाएगा अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि 1190 रुपये का, तो अभी फिलहाल ठीक ठाक है, जैसे ये 1190 को ब्रेक करता है तो फिर काफी वीक हो जाएगा चार्ट पर, तब फिर ये काफी डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही बेहतर एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।